भारत की तीसरे सबसे बड़ी दूरसंचार कंपनी बोडाफोन आइडिया की एक असाधारण आम बैठक में शेयर धारकों ने अमेरिकन टावर कंपनी ए को वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर के सोलह सौ सो करोड़ रुपए के अनुमोदन को मंजूरी दे दी है आपको बता दे यह पहली बार नहीं है जब शेयर धारकों ने इस कदम को मंजूरी दी है वी पहले इसे आगे नहीं बढ़ा सका क्यूँकी ए को ओ जारी करने की शर्तों में ऐसी एक टेलको में इकृत के लिए सरकारी बकाया के रूपांतरण का निष्पादन था जो की अब यहाँ हो चुका है ए टी प्राप्त कर रही होगी ए को ओ जारी करने के बाद प्रमोटर्स की हिस्सेदारी अड़तालीस दशमलव छिहत्तर प्रतिशत होगी जिसमे इकतीस दशमलव सत्ताईस प्रतिशत बोडाफोन ग्रुप यूके के पास है और शेयर सत्रह दशमलव उनचास प्रतिशत आदित्य बिल्ला ग्रुप के पास है आपको बता दें टेलको में सरकार की हिस्सेदारी घटकर कर बत्तीस दशमलव जीरो नौ प्रतिशत हो जाएगी जारी किए गए ओ के पूरे रूपांतरण को मानते हुए ए टी में तीन दशमलव प्रतिशत हिस्सेदारी होगी आपको बता दें इससे शॉर्ट टर्म में आई के ऑपरेशन पर कुछ दबाव कम होगा टेलको सरकार के लिए बकाया राशि को इक्विटी में बदलने के बाद धन धन जुटाने जुटाने की तलाश में में है है यदि सफलता पूर्वक सक्षम होता है, तो यह आगामी बकाया भुगतानों को पूरा करने के साथ साथ के को बढ़ावा देने में सक्षम होगा जबकि ए टी सी का बकाया अब कोई समस्या नहीं है वी आई को अभी भी इंडस टावर जैसी टावर कंपनियों को भुगतान करना है और फिर नोकिया जैसे उपकरण का निर्माण कथित तौर पर प्रमोटर टेलको को लगभग पाँच हजार करोड़ रुपए देने की सोच रहे हैं लेकिन फिलहाल कुछ भी निश्चित नहीं है एबीजी ने सरकार से वादा किया था कि वह बोडाफोन आड़ा में आवश्यक निवेश लगाएंगी केंद्रीय दूरसंचार मंत्री अश्वनी वैष्णव के अनुसार इससे सरकार को इक्विटी रूपांतरण के बकाया के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया